अपनी गाड़ी की चेकिंग तो कैसे ही करके थी। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। हाँ अच्छा। अरे वहाँ कितना बड़ा कमरा है दी। सची यहाँ तुम क्रिकेट खेल सकेंगे। क्रिकेट? हाँ यहाँ पे। मामा बच्चे को बस क्रिकेट ही पढ़ी। मामा वाह 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 वाह। भैया चलो यहाँ क्रिकेट खेलेंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है कुलकर्णी। अगर ऐसा मकान मेरे पास बंबई में होता तो मैं एक कमरे में रहता, एक में सोता, एक में खाता और एक में कुल्ला का। अरे वाह शर्मा जी, अगर मेरे पास इतना बड़ा मकान होता जिसमें 18 कमरे होते तो मैं 17 भाड़े पे देता और 18 में शादी करके आराम से सो जाता। नहीं यार ऐसा कर, पूरा 18 के 18 भाड़े पे दे दे और तू खुद टैक्सलेस हो जा। ये क्या आइडिया है। आइए आइए श्यामलाल जी, आइए आइए, आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सब आपकी कृपा है। देखिए यहाँ दो नौकर हैं, जब भी कोई जरूरत हो इनसे कह दीजिए। वैसे मेरा घर भी पास ही है, जब भी कोई जरूरत हो निसंकोच आ गया दे। अगर कुछ चाय वाय का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। जरूर जरूर। मंगरू मंगरू, चाय के अलावा और कुछ? दूध लस्सी कुछ नमकीन जैसे समोसा कचौरी और बटर वड़ा। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं साहब, आप सिर्फ चाय का बंदोबस्त कीजिए। अच्छा मंगरू, महाराज से क्या जल्दी पहले चाय भिजवा दे। कुछ मिठाई भिजवाऊं? नहीं जी सिर्फ चाय। मैंने नहीं बोला कुछ, यही बोला। मैं कुछ नहीं बोला, ये भुक्कर अपने साथ है ना, यही घड़ी घड़ी मांग करता। शर्मा जी वाह वाह, आपने आसामी तो बड़ी तगड़ी फांसी है, मगर एक गलती कर गए। वो क्या? जायज दबा के मांगना था। और अभी जो गलती कर गए उसका क्या होगा? ना समोसा, ना कचौरी, ना बटाड़े वाले, ना कुछ। कुलकर्णी तुम तो बन, तुम दोनों ही कुछ नहीं समझते। अरे लड़की वाले इसी तरह आजमाते हैं, जितना तुम नाना करोगे उतना ही माल और आएगा। हाँ।